दोस्तों 21 साल में आईएएस अधिकारी बनना हम सभी का ख्वाब होता है, क्योंकि वो सभी इतिहास लिखते हैं जो कम उम्र में सिविल सेवा को क्रैक करते हैं। निश्चित रूप से ये हम सभी का सपना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा आपका जो सर्विस पीरियड होता है बहुत लंबा हो जाता है, आप देश के लिए एक धरोहर बन जाते हैं और निश्चित रूप से जो उसके उच्चतम पद हैं वहां तक पहुंचने की आपको संभावना हमेशा बनी रहती है। दोस्तों लेकिन इसको पाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमारे तरीके हों, आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप 21 साल में देश का बेहतरीन अधिकारी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते हो दोस्तों, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि 17 से 18 वर्ष की उम्र जब आपकी होती है तभी से आप इस बात पर ध्यान लगाना शुरू कर दें कि आप आसानी से इसकी तैयारी में उतर जाएंगे और अपना जो व्यक्तित्व है इसी के अनुरूप बनाना शुरू कर देंगे। ये मैंने सही कहा दोस्तों, 17 से 18 जब आपकी एज हो जाए तभी से आप यूपीएससी के लिए बहुत संजीदा और बहुत ही सीरियस हो जाए, यानी आप जब 12th क्लास में हो तभी इसके बारे में थिंक करना शुरू कर दें। जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि आप इसके सिलेबस को पढ़ें और समझें। सिलेबस आपका वो गाइडिंग फोर्स होता है जो आपको अंदर तक लेकर जाना है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने देश की समस्याओं के साथ जो देश की चुनौतियां हैं, जो देश के संघर्ष हैं, उनके प्रति एक लगाव स्थापित करें, यानी जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनके साथ जुड़िए कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आप सिर्फ किताबों पर निर्भर ना रह के, आप किसी व्यक्ति पर निर्भर ना रह के अपनी सोच का एक विकास करिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर अटैचमेंट। जी हाँ, इसका कोई सिलेबस नहीं कि मैं न्यूज़पेपर क्या पढ़ूं या क्यों पढ़ूं। जब आप 17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। जो भी चीजें जो देश से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उसकी पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे राष्ट्र में होने वाली कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको आप एक जरूर अच्छे तरीके से आप इनपुट दीजिए। अखबारों में कई बार बहुत सी खबरें होती हैं, जैसे खेल खिलाड़ियों की खबरें, आप उनको स्किप कर सकते हैं। कहीं पर हत्या हुई, कहीं पर लूट हुई, आपको ये पता है कि ये मेरे सिलेबस से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। पर हाँ, एडिटोरियल पार्ट, जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, इन पर आप अपनी एक विचारधारा बनाना शुरू कर दिए। इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको जो भी करंट में चल रहा है वो आपको इसकी जानकारी होगी। दूसरा, देश के सम्मुख जो भी चुनौतियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन पर आपका एक लगाव होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इनपुट है वो ये है कि आप बेसिक बुक्स के साथ, जैसे एनसीईआरटी हो गया या एनआईओएस की बुक्स हो गई, इनके साथ अपना एक अटैचमेंट बढ़ाना शुरू कर दीजिए और यहाँ से मुझे कैसे करना है, क्या करना है, ये आप जो है वो धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए। 12वीं क्लास के बाद आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो अपने लिए 3 से 4 घंटे फिक्स कर लीजिए पढ़ाई के लिए कि मेरा सिविल सर्विसेज को इसको देना ही देना है और मुझे इसके साथ जाना ही जाना है। इस पढ़ाई में जो सबसे बड़ा आवर होना चाहिए वो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बोलने, नोट्स बनाने और उनको याद करने की तकनीक भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो बेसिक बुक के साथ आप चलते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी और 21वें साल आते आते आप कोशिश करिए कि जब आप 19 साल के हों या 20 साल के हों तभी से जो आप इसकी एक सघन प्रक्रिया में उतर जाइए, यानी इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, अपने कॉलेज के टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई सिविल सेवक हो उसकी भी आप मदद ले सकते हैं, जिससे आपको एक रास्ता मिलता रहे। इसके साथ साथ जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वो लगातार योग, एक्सरसाइज और ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को कंडीशन करके रखिए, क्योंकि इस समय आपको कॉलेज का प्रेशर और आपके यूपीएससी का प्रेशर दोनों रहेगा और इस प्रेशर को अगर झेलने में सबसे ज़्यादा कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो आप स्वयं हैं। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने एम को अपने सामने रखिए और ये सोचिए कि 21 साल में आईएएस बनकर या बहुत ही कम उम्र में आईएएस बनकर मैं राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता हूँ, राष्ट्र के लिए कितना जो है वो बेहतरीन काम कर सकता हूँ और आने वाली पीढ़ियाँ मुझे मेरे काम के लिए याद रखेंगी। आज की ये तकलीफ कल को आपको नेशन का हीरो बना सकती है, लोगों की प्रेरणा बना सकती है, लोग आपके इंटरव्यू के लिए परेशान रहेंगे। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जुड़े रहिए, और भी अगर आपको कोई सुझाव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और आगे बढ़ें, सशक्त रहें, और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से रोक सके।